गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज की टॉपिक होने वाली है मेरी डोमिनार को लेकर, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था जो कि सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है वो प्रॉब्लम है कि इसका यूएसडी फॉक्स से जो लगातार ऑयल लीकेज हो रहा था, इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। मैंने 4 से 5 बार इसका ऑयल से रिप्लेस करवाया लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। और मैंने जब शोरूम में जाकर कॉन्टैक्ट किया, उन लोगों ने बोला कि इसका इनर पाइप चेंज करना पड़ेगा। मैंने जब बोला मैंने तो कोई एक्सीडेंट नहीं किया तो इसका इनर पाइप क्यों चेंज कराऊँ मैं, तो उन लोगों ने बोला कि ये मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा और आप टेंशन मत लीजिए और ये वारंटी क्लेम हो जाएगा। इसके लिए 1 मंथ का टाइम चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। मैंने बोला ठीक है फिर वारंटी क्लेम करवाओ, मुझे 1 मंथ के अंदर अपनी बाइक सही चाहिए। तो 1 महीना गुजर गया, बाइक मेरे पास ही था और उस लोगों ने बोला कि बाइक आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइक मेरे पास ही था, 1 महीना मैंने चलाया। उसके बाद मैंने उन लोगों को कॉल किया, उन लोगों ने बोला अभी भी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है और 1 मंथ चाहिए उन लोगों को। तो मैंने फिर उन लोगों को 1 मंथ और दिया और जब मैंने फिर से कॉल किया उन लोगों ने बोला अभी भी नहीं हुआ और भी 15 दिन चाहिए। ऐसे करते करते 2.5 महीना गुजर गया और जब मैंने लास्ट बार उन लोगों को कॉल किया, उन लोगों ने बोला रूटली मेरे को बोला क्या नहीं हो पाएगा, आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोगों का हाथ में कुछ नहीं है, अब जिधर जाना है जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, यार क्या करूँ यार, बाइक का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इन लोगों हाथ ऊपर कर दिया, बोला नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूँ अभी। तो मैं घर आया, बाइक की जो मैनुअल बुक थी उधर से कस्टमर केयर का नंबर निकाला और धड़ास से उन लोगों को कॉल किया। कॉल करके मैंने पूरा का पूरा कंप्लेंट दर्ज कर दिया। उन लोगों ने बोला 1 to 2 डेज टाइम चाहिए उन लोगों को, उसके बाद वो लोग कोई लीकेज टेप लेंगे, लेके मेरे को अपने बाइक का सॉल्यूशन निकाल के देगा। और आज 1 वीक निकल गया, उन लोगों का कोई फीडबैक नहीं मिला मेरे को। तो मैंने सोचा अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, तो आज मैं शोरूम जाने वाला हूँ और शोरूम में इन्फॉर्म भी नहीं किया मैं आज, और मैं अपनी डोमिनार के को लेके जाऊँगा। मेरे साथ एक दोस्त जाएगा और भी 4 दोस्त जाएंगे जिन लोगों के पास 2-2 RS, एक एक करके 2 RS है। चलो मिलता हूँ शोरूम में, वो लोग क्या बोलना चाहता है पूरा टोटली ब्लॉग बनाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। चलो मिलता हूँ शोरूम। जिसका ये साइड जो इनर पाइप है उसको रिप्लेस करने की वादा किया था वो लोगों ने और अभी करके नहीं दे रहा है, और बाइक मैंने चलाई ही नहीं और बाइक लेने के 3 महीने बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अब बजाज वालों को तो सोचना चाहिए, आदमी 2.5 लाख रुपये दे के बाइक खरीदता है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उन लोगों को सॉल्यूशन तो निकल के देना चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ कर ही नहीं रहा है। चलो मिलता हूँ शोरूम पे और दिखाता हूँ क्या होता है उधर। रहे हैं तमलुक में शोरूम, बजाज शोरूम पे जा रहे हैं, वो डोमिनर का कुछ झमेला चल रहा है बहुत दिन से, वो लोग कुछ नहीं सही सर्विसिंग दे सकता है सक रहा है, इसलिए हम लोग 7-8 लोग जा रहे हैं। ठीक है, झमेला करेंगे, आप लोग देखना एंजॉय करो, एकदम पूरा फाड़ दूंगा आज। आज जाएंगे, करीब 15 से 20 मिनट लगेगा हम लोगों को पहुंचने में और आज तो बवाल मचेगी, आप लोग देखो क्या होता है। और गलती से भी ये शोरूम में सर्विस मत करना, ये लोगों का बिहेवियर बहुत बेकार है और क्या बताऊँ। चलो शोरूम में जाके दिखाता हूँ क्या होता है और राइड को एंजॉय करो। हम लोग 3 बंदे जा रहे हैं और मैं अपनी डोमिनार को लेके जा रहा हूँ और 2 भाई हैं जिसके पास, दोनों के पास RS है, एक रेड कलर का RS और एक ब्लैक कलर का RS। वो ब्लैक कलर का RS जो है वो रिफ्यूल करवाने गया है और सामने वाला तो देख सकते हो रेड कलर का जो RS है वो जा रहा है। चलो शोरूम जाके तबाही मचाएंगे, तबाही शोरूम में जाके तबाही मचाएंगे। आप लोग देखो कैसे तबाही मचाता हूँ, और आप लोगों को भी तबाही मचाना होगा तो हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम लोग जाके तबाही मचा देंगे आज।
भाई, देख सकते हो कितना कॉस्टली एरिया है, कितना क्राउड है इधर, बहुत ज़्यादा क्राउड है इधर। और मेरा जो राइडर सेना है वो पीछे आ रहा है, और करीब 10 से 15 मिनट लगेगा हम लोग का शोरूम पहुँचने में। और असली मज़ा तो शोरूम में आके ही होगा। और ख़त्म, अब हम लोग दीघा का रूट आ जाएगा उसको क्रॉस करके हम लोग तमलुक के साइड निकलेंगे। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है इधर। और हम लोगों ने एक ही हेलमेट पहन के रखा है जो कि मैं पहन के रखा हूँ, और मेरा पीछे जो वीडियो करने में हेल्प कर रहा है मेरे को, उसको हेलमेट नहीं दिया मैंने, गलती से निकल गया जल्दी जल्दबाजी में। और पुलिस का क्या रिएक्शन होता है देखता हूँ। चलो, पुलिस क्या रिएक्शन देता है अब लोगों को दिखाता हूँ। इधर हमेशा पुलिस रहता है, एक जगह डोमिनर आ रही है, इससे हम लोगों का जो बाइक और आ रहा है, मेरा राइडर सेना आ रहा है। अभी सिग्नल खुला हुआ है, चलो निकल जाते हैं। पुलिस पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है देखता हूँ। एंजॉय करो आप। पुलिस को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। पुलिस को उल्लू बना के कैसा लगा? पुलिस को उल्लू बना के कैसा लगा? अच्छा लगा। ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को उल्लू बनाने का, लेकिन पुलिस को उल्लू बनाने का मज़ा कुछ अलग ही है। अलग सेटिस्फाइड मिलता है पुलिस को उल्लू बनाने का। और तमलुक का जो रूट है शोरूम जाने का, उधर मानिक टोला में पुलिस रहता है, और हम लोग एक शॉर्टकट पता है, हम लोग जाते टाइम उस शॉर्टकट से जाएंगे, और आते टाइम कोशिश करेंगे शॉर्टकट से आने का। और का बाइक में फ्यूल 3 लेवल पे है, मेरा भी 3 लेवल पे ही है। और उसका टैंक फुल है। और लेफ्ट को जाएंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है, और इधर का पुलिस जो है पक्का, क्या बताऊँ उन लोगों को, विदाउट
विदाउट रीजन का ये लोग फाइन करते हैं, और किसी को ये रूट नहीं पता होगा तो इस साइड से आ सकता है और मैं रूट दिखाऊंगा। और फैंसी गेस्ट हाउस में आप लोग आ सकते हो, और गर्लफ्रेंड नॉट अलाउ है इधर, और ओनली मैरिड कपल अलाउ करते हैं इधर। कुछ राज तो नहीं है, मुझे तो फिलहाल पता नहीं चल रहा है कुछ राज। इसको शायद कुछ राज पता है, बताना चाहेंगे आप कुछ राज? बताओ क्या राज बताना चाहेंगे? आलू के लिए क्या है इधर? कौन आलू? आलू कौन? आलू नहीं पहचानने का नाम बोलू? कौन है नाम? आलू कौन है नाम बोलू? नाम बोलू जानता हूँ। चलो ट्रेन निकल गया, अभी हम लोगों को जाने का टाइम आ गया। हम लोग अभी बजाज को कस्टमर लॉन्च में बैठे हुए हैं, और देख सकते हो बहुत झमेला करने के बाद मेरा काम हो चुका है। वो लोगों ने 5 दिन का टाइम दिया है मेरे पास, और बोल रहा है 5 दिन के अंदर अंदर गाड़ी सही करके देगा। और मेरे को हेल्प किया है मेरा राइडर सेना जो कि है, इसके बाद आर एस है और सबसे ज़्यादा हेल्प किया है इसने, जो कि मुझे वीडियो बनाने में हेल्प किया है। और सही से आगे अगर बाइक सही करके देता है तो इसको थैंक्स बोल के मैं जाऊँगा, अगर कुछ लफड़ा करता है तो मैं टोटल ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या मेरे साथ। बदतमीजी कुछ नहीं किया इन लोगों ने, अच्छे से बिहेवियर किया, और 5 दिन का टाइम लिया। देखता हूँ क्या होता है, 5 दिन वेट कर लिया तो 3-4 महीना तो ऐसे वेट कर लिया, और 5 दिन क्या है, वेट करने के बाद देखता हूँ क्या होता है। चलो मिलता हूँ अभी घर, तो मुझे बस पे जाना पड़ेगा, अभी क्या करूँ। चलो मिलता हूँ घर पे।
हम लोग शोरूम में आए थे, यहाँ शोरूम में तो बहुत मजा आया। ठीक है, मैनेजर जो था उसको धमका नहीं, बहुत मजा आया। तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ। पहले हम लोग आए, ठीक है, तो डायरेक्ट मैनेजर के टेबल में गए। मैनेजर के टेबल के जाने के बाद वहाँ जाके मैनेजर को डिस्कस करने लगे, ऐसा ऐसा सिचुएशन था। ठीक है, उसके बाद मैनेजर का मैं डायरेक्टली मैनेजर का वीडियो बना रहा, जो थंबनेल में आप लोग देख पाएंगे जो वीडियो बना रहा था। तो मैनेजर हटक गया, जो अचानक वीडियो कहीं से बनाने लगे तो मुझे बोलने लगा, मेरा परमिशन लिया तो मैं उसका परमिशन लेके क्यों वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद उसने मना किया तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो कुछ सीक्रेट सा बैकग्राउंड से बैकग्राउंड कैमरा करके वीडियो बनाया था, तो पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग, समझ में आएगा क्या सिचुएशन था, कैसा था ना था, सब कुछ आप लोग को खोल के बताऊंगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ EMI का वाई फाई टीवी है, नेटफ्लिक्स पे बैठ के सर्च करके हम लोग का अनदर ब्लॉग देख रहे हैं। सब दोस्तों लोग देखो एसी में बैठ के हैं, यहाँ देखो हम लोग का मेन। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना जरूर। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग सब्सक्राइब करो और नया नया वीडियो आएगा जरूर देखना, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो।